उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 107 लोगों को टिकट दिया है। लिस्ट की खास बात यह है कि लिस्ट को हाल ही में बीजेपी की भागम भाग को देखते हुए तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में 60% ओबीसी और दलित प्रत्याशी को टिकट दिया है। हाल ही में बीजेपी से त्यागपत्र दे चुके 14 विधायकों ने बीजेपी पर अगड़ा पार्टी होने का आरोप लगाया था। हरेक ने यही बात कही थी कि बीजेपी पिछड़ा और दलित विरोधी पार्टी बनती जा रही है। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, जो बीजेपी की योगी सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था कि बीजेपी सिर्फ अगड़ों की पार्टी है, बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया। इन आरोपों को मिटाने के लिए बीजेपी ने अब 60% दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है और ये ठप्पा हटाने का प्रयास किया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट को देखें तो कुल 107 प्रत्याशियों में से 44 पिछड़ी जाति के हैं, 19 प्रत्याशी अनुसूचित जाति के हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 10 महिलाओं को टिकट दिया है। 107 में से 63 मौजूदा विधायकों को भी टिकट मिले हैं। बताते चलें कि 15 जनवरी को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। बीजेपी की सूची में पहले चरण के 58 सीटों में से 57 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। इसके अलावा दूसरे चरण की 55 में से 48 सीटों के उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई। बाकी बची सीटों के बारे में अभी फैसला होना बाकी है। आज घोषित कुल उम्मीदवारों में से पार्टी ने 20 विधायकों का टिकट काटा है। इस बीच बड़ी खबर ये थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने उन्हें गोरखपुर सिटी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने साहिबाबाद से सुनील शर्मा को टिकट दिया है। पार्टी ने एक बार फिर नोएडा से पंकज सिंह को मैदान में उतारा है। पार्टी ने लोनी से नंदकिशोर गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारा है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग उम्मीदवार होंगे। जेवर से धीरेंद्र सिंह पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी ने अतरौली से मंत्री संदीप सिंह को फिर से टिकट दिया है। मथुरा से श्रीकांत शर्मा पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है।